सा जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वो एक सियर फोर्स जिसको आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कर्तन बल, कर्तन बल और बेंडिंग मूवमेंट जिसको आंगूड़ा पढ़ते हैं। तो अब इसको क्या है, आपसे बीटी या एकेटीयू क्वेश्चन पूछता है कि सियर फोर्स डायग्राम बनाइए और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाइए। अच्छा, इस वीडियो में बहुत चीजें हैं जो आपको बेसिकली मैं अभी डिवाइड कर दे रहा हूं कि आपको बीम टीचर ने पढ़ाई होगी कि तीन तरीके, बेसिकली तीन चार हैं तो आपकी छह बीम, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है या तो वो कैंटिलीवर बीम पे क्वेश्चन आ जाएगा। कैंटिलीवर बीम जिसका एक सिरा क्या होता है आपका फिक्स रहता है, वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, दैट टाइप ऑफ द बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। दूसरी टाइप की बीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली ये कौन सी है, सरल बीम जिसको कहते हैं, क्यों, जिसके दोनों सिरे पे सपोर्ट होता है, इस तरह की बीम को हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अच्छा, जब सपोर्ट अंदर आ जाते हैं और दोनों सिरे लटकते हैं या एक सिरा बीम का लटकता है तो उस तरह की बीम को कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। और भी है, फिक्स बीम है, आपकी कंजुगेटेड बीम है, वो हमें नहीं इतना डीपली देखना है क्योंकि हम लोग सिविल बीटेक की तरफ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी क्या अप्रोच रखना है, जब आपको आरेख बनाने के लिए दे बेटा तो पहले तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको दे रहा है या क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन उसके नीचे बिल्कुल कतई मत करिए। आप क्या करिए, आप उस पेपर के नीचे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे और जहां से नोट गिरे हुए हैं बस वहां से आप डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है, और आप कैलकुलेशन अलग जगह से करेंगे, उसके नीचे नहीं करेंगे, मतलब साइड से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि यहां डायग्राम बनाओ यही कैलकुलेशन, क्योंकि सियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम गिवन डायग्राम के नीचे ही बनाया जाता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका, एग्जामिनर इसको चेक भी नहीं करेगा। पहली चीज आप देखिएगा, एक चीज नोट करने वाली, जैसे मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाई थी तो पहला बताया था कि आप जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है तो आप एक्स एक्स के अबाउट देखते हैं। सो देखिए कि जब बीम के क्वेश्चन आए तो बीम के क्वेश्चन में कैंटिलीवर बीम आ रही है तो वहां पे रिएक्शन नहीं फाइंड करना होता है, सीधे आप सियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम के बाद और कोई भी बीम आएगी तो आपको पहले वहां रिएक्शन निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सो अभी इतना बात पड़ता है, अब मैं इस क्वेश्चन से ये सारी चीजें तुम्हें समझाऊंगा। सो देखिए, ये कौन सी बीम है आप पहले पहचानिए, सिंपली सपोर्टेड। तो आपने क्या कहा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जहां पर ये सपोर्टेड होते हैं उनको रिएक्शन कहते हैं और जहां पर इनका नाम है उसको आर ए, और यहां कहां से दैट इज कॉल्ड आर बी। तो पहला तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम आर ए और आरबी की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेगा, आर ए और आरबी की वैल्यू निकालो। सो आर ए आरबी की कभी भी रिएक्शन निकालते हैं तो ये मानते हैं कि जो हमारी बीम है, जो हमारी धरन है, वो सामान्य अवस्था में है, हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। उसके जगह हमें तीन कंडीशन यूज होती, क्या, या हमारा नेट फोर्स जो है वो क्या हो, वर्टिकल फोर्स बीम पे लगने वाला क्या हो, जीरो हो, उस पे लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो, जीरो हो, और उस पे लगने वाला घूर्ण जिसको मूवमेंट कहते हो वो क्या हो, किसी पॉइंट के अबाउट क्या हो, जीरो हो। ये तीन कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे और आर ए आर बी की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो रहा है इतना चीज, आप देखिएगा हम पहले कौन से इक्वेशन उठाते हैं, वर्टिकल इक्वेशन उठाते हैं। जब वर्टिकल इक्वेशन को ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्या जो ऊपर जाने वाले फोर्स है वो प्लस लिए जाते हैं और जो नीचे जाते हैं फोर्स उनको माइनस लिए जाते हैं। ऊपर क्या जा रहा है बोलते रहिएगा आर ए, नीचे क्या आ रहा है, आगे बढ़िए नीचे क्या आ रहा है, सी में कितना लोड कितना है, 5 किलोग्राम। फिर इसके बाद ये कौन सा लोड है, ये कौन सा लोड है, ये कौन सा लोड कहा जाएगा, जो ये जो स्टिक वाला बना हुआ है ये कौन सा लोड होता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट लोड। ये क्या होते हैं, पॉइंट लोड, दिस इज कॉल्ड पॉइंट लोड। आप लोग बच्चों याद रखना, पॉइंट लोड कभी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट लोड कभी लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है, इसलिए ये लंबाई कहां पड़ा है ये बताइए, इसकी बस वैल्यू उतार लेते हैं। लेकिन जो ये दूसरा तुम्हें गोलाकार सर्किल, इसका दूसरा जो पैसे भी होता है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे बना देता है एरो में, तो तब भी इस तरह मिले या इस तरह मिले, इनको कहते हैं यूडीएल। क्या कहते हैं, यूडीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। आप देखिए दो चीज, ये एक्चुअली लेंथ पे डिपेंड करता है, तो हम बात कर रहे हैं लोड की, तो देखिए राजा ध्यान से सभी लोग बच्चों यूनिट देखिए, ये यूनिट क्या है, किलो न्यूटन प्रति मीटर, तो ये लोड नहीं है,
ये जनाब लोड नहीं है, ये इंटेंसिटी है, ये क्या है इंटेंसिटी। तो पहले लोड पे कन्वर्ट करो। सो मैं इधर बता रहा हूं, यूडीएल कहीं भी दिख जाए तो पहली चीज उसको क्या करोगे, लोड में कन्वर्ट करोगे। तो लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, उसकी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी मतलब कितने की इंटेंसिटी है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। हाँ 25। और कितने में वो फैला हुआ है, स्प्रेड, स्प्रेड लेंथ, स्प्रेड लेंथ, वो कितने में बेटा फैला हुआ है। मान लीजिए इंटेंसिटी उसकी कितनी है, यहां पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है 25, 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर। फैला कितने में है, 3 मीटर में फैला हुआ है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई 3×15 3×6 75, सो दैट इज कॉल्ड 75 किलोमीटर। देखिए लोड की यूनिट आ गई, लोड की यूनिट आ गई। तो हमेशा यूडीएल का क्वेश्चन दिखे आपको तो पहला क्या करोगे, उसको लोड में कन्वर्ट करोगे और यहाँ नहीं दिखाओगे आप। तो ये कितने का लोड आएगा नीचे, 75, 75 का माइनस या प्लस, नीचे गिरेगा। अब मैंने देखिए, अब मेरे बच्चे ये कहेंगे ये गिरेगा कहां, ये लोड गिरेगा कहां पे, कहीं पे भी लग जाएगा क्या, ये लोड हमेशा ये लोड जो गिरेगा वो हाफ ऑफ लेंथ जितने में फैला है, कितने पे, हाफ ऑफ लेंथ स्प्रेड यूडीएल, जितने पे यूडीएल फैला हुआ है, कितने पे फैला हुआ, 3 पे, तो कितने पे गिरेगा, सो दैट इज 3/2, दैट इज कॉल्ड डेढ़। ये आपका क्या है, ये सॉल्यूशन का अलग पार्ट है, इसको मैंने इधर कर दिया इसलिए। सो अभी इसका रीजन नहीं है, अभी मैं इतना ध्यान दीजिए, पहले मैंने लोड में कन्वर्ट कर दिया 75 किलोमीटर, सो 5 नीचे आया। फिर एक दूसरा लोड है जो कहां से लगा, डेढ़ पे लगेगा, जिसने लगाया नहीं है, मतलब यहां से डेढ़ लगेगा या इधर से डेढ़ लगेगा, तो 75 और क्या मिलेगा, 15। डी मुझे पॉइंट मत बोलिए, 15 और कुछ दिखेगा, और कुछ आरबी ऊपर क्या दिखेगा, और आरबी ऊपर प्लस आरबी, और कुछ दिखेगा क्या, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, वेरी गुड। सो आरए प्लस आरबी की वैल्यू, आरए प्लस आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा, -95, 75, 5, 5, 80 और ये हो जाएगा आपका 90, 90, 95, तो दैट इज कॉल्ड 95 किलो न्यूटन। किसी को दिक्कत, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, कैलकुलेटर आप लोग हाथ में रखिएगा, कैलकुलेटर का क्वेश्चन करना है। सो दिस इज कॉल्ड 95 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स है यहाँ पे, क्या इस धरन में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नहीं है, ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब अपने आप हो गया सेटिस्फाई। अब क्या बचा, मूवमेंट क्या करते हैं, जिस अबाउट लेना है उसके अबाउट। देखिए रिएक्शन का मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते वक्त मूवमेंट अलग अलग होता है। सो रिएक्शन पे जब मूवमेंट लेते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट सब फोर्स घूमते हैं। सो किसके अबाउट मूवमेंट लेना है, बताइए, ए के अबाउट, आप बता रहे हो, नहीं तो आप बी के अबाउट भी ले सकते हो। कोशिश यही करो कि एंड एक एंड के अबाउट लो, इस एंड के या तो ले लो या इस एंड के अबाउट लो। तो मैं किसके अबाउट लेता हूं, सो लिखने का तरीका, मूवमेंट ए अबाउट क्या होगा, सारे मूवमेंट जो होगा वो जीरो होगा। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा ए पे खड़े हैं तो आरए क्या हो जाएगा, फोर्स, आरए क्या हो जाएगा, फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पे, ए पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सो आरए इनटू जीरो, कितने लोगों को समझ में आ गया, आरए हो गया फोर्स, उसकी डिस्टेंस ए पे कितनी हो गई, जीरो। आगे बढ़े तो कौन सा फोर्स उसको मिला, 5। तो ये 5 मिला, इसका एरो नीचे तो किस तरह घूमेगा, किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज, 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 कैसे, क्लॉकवाइज। सो आप क्या करिए, क्लॉकवाइज को आप क्या करिए, पॉजिटिव मान लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए। देखिए क्लॉकवाइज का सिंबल आपको याद करने के लिए, क्लॉकवाइज ऐसे चलता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, ठीक है, ऊपर उल्टा चलता है, ठीक है। सो ये कैसे दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसा आएगा, प्लस, प्लस का साइन लगाइए, फोर्स कितना है, 5, उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक, वेरी गुड, उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक है, कोई दिक्कत, उसकी डिस्टेंस एक। इसके आगे बढ़े तो इसके आगे इसको क्या मिलेगा, यूडीएल, यूडीएल, तो यूडीएल को पहले लोड में कन्वर्ट करो तो कितना आया था, तो कितना आया था, कैसा देगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देगा, प्लस कितना लोड होगा, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो मतलब कितना हो गया, 25 और इनटू 3, ये तो लोड बन गया, ये क्या बन गया, लोड, ये क्या बन गया, लोड, तो लोड
की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी होगी? ये पहले गिरेगा कितने पे? डेढ़ पे गिरेगा। ये कितने पे गिरेगा? डेढ़ पे। डेढ़ पे गिरेगा और कितना? एक। तो कैसे लिखा जाता है? देखिए लिखा कैसे जाता है, डिस्टेंस वन प्लस थ्री बाय टू, दिस इज कॉल्ड द यूनिट। किसने को समझ में आया? एक डिस्टेंस ये तो ऐड हो गई और ये गिरेगा कितना? तीन का आधे पे गिरेगा, तो तीन का आधा करके डेढ़, वही बोल रहा है आपको। क्लियर? हमेशा ब्रैकेट बंद करके लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे तो और कौन सा फोर्स दिखेगा? डी। तो डी कितना? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कितना? 15। फोर्स कितना? डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर। तीन और एक चार, चार हो जाएगा टोटल। तीन और एक चार, सो दैट इज चार। तीन एक चार, कोई दिक्कत? इसके आगे बढ़े और कौन सा लोड उसको दिख रहा है? आरबी। आरबी कैसा देगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या माना है? माइनस। तो आरबी माइनस लगाया इनटू कितनी डिस्टेंस में लगाया था? पांच। पांच। तीन एक चार एक पांच। पांच इज इक्वल टू जीरो। जीरो सॉल्व करिए तो जीरो पहले से हो गया पांच, ये कितना हो जाएगा? पांच। ये हो जाएगा पचहत्तर। पचहत्तर कैलकुलेट करिए 75 डेढ़ प्लस ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 चौक 60 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आरबी इनटू 5। कैलकुलेट करिए आरबी की वैल्यू बताइए। आरबी की वैल्यू बताइए। आरबी की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 60। 28.5। 28.5 फिर से देख लीजिएगा। 75 में इसको मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? 10। मल्टीप्लाई करना है पूरा कैलकुलेट करके डिवाइड कर दीजिए 5 से, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए ना। 50.5 किलो न्यूटन। इसको जब सॉल्व करिए और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए आरबी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए यही आ रही वैल्यू 50.5 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू आ गई। यस। पुट इन द फॉर्मूला, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? आरए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आरए इज इक्वल टू व्हाट? आरबी की वैल्यू 50 है तो आरए 45.5 किलो न्यूटन। आरए आरबी वैल्यू मिल गई। यस सर। लिख दीजिए यहाँ पे आगे वैल्यू। आरए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44.5 किलो न्यूटन। और आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50.5 किलो न्यूटन। क्लियर? एक स्टेप आपका सॉल्व हो गया कि रिएक्शन को फाइंड करने का, रिएक्शन को फाइंड करने का स्टेप आपका सॉल्व हो गया। कैसे आप रिएक्शन को फाइंड करेंगे? अब आप बढ़ेंगे शियर फोर्स बनाने में। तो इतनी चीज क्लियर है। चलिए शियर फोर्स आईडी डालेंगे। शियर फोर्स डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं तो पॉइंट वाइज चलते हैं। पॉइंट वाइज चलते हैं तो पहला पॉइंट क्या है? हम यहां से एक लाइन खींच लेंगे। आप देखिएगा आरए जो ऊपर जाएगा वैसे ही बनाएंगे। तो आरए कितना लोड जा रहा है? इसको लिखने के लिए देखिए शियर फोर्स एस डॉट एफ, शियर फोर्स एट ए, ए पे कितना है? 44.5। कितना है? 44.5। कितना है? 44.5 किलो न्यूटन। ऊपर जा रहा है, ऊपर अपवर्ड चला गया, कोई दिक्कत? लिख लीजिए 44.5 किलो न्यूटन, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड ए। अब देखिए ए से सी के बीच क्या कोई लोड है? तो ए से सी कॉन्स्टेंट आ गया, कोई दिक्कत? सो शियर फोर्स एट ए टू सी इज इक्वल टू 44.5 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत? जरा देखिएगा सी पे, शियर फोर्स एट सी, सी पे क्या है? कितना ऊपर जा रहा था? 44। और सी पे नीचे कितना आ रहा था? 5। तो क्या हो जाएगा? 44.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? आप माइनस कर लिए 39.5 किलो न्यूटन। सो देखिए ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। 44 तो नीचे 39 आएगा, सो दिस इज कॉल्ड यहां पे, ठीक है? क्लियर है? आप देखिए सी से डी तक क्या कॉन्स्टेंट आएगा? नहीं, क्योंकि यूडीएल है।
तो यूडीएल का कंसेप्ट देखिएगा, यूडीएल किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लंबाई पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यूडीएल का लोड कितना है, 75 75 है। तो सीयर फोर्स एट डी, सीधे डी पे निकालेंगे, डी पे सी तक कितना आया, 39.5 किलोन्यूटन। और इसके बीच कितना लोड लग रहा है, 75। कितना, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, लेकिन नीचे लग रहा है तो आप माइनस कर दीजिए 75। कितना बचेगा, माइनस का 35.5 किलो। माइनस मतलब डाउनवर्ड, माइनस मतलब डाउनवर्ड। सो देखिए, देखिएगा, लेकिन इसकी लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, क्योंकि यूडीएल जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। सो यूडीएल किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। सो इसका जो सीयर फोर्स बनता है वो लीनियर इस तरह की लाइन बनती है। सो देखिए, इसकी लाइन कैसे बनी, ऐसे लिया, क्लियर? यस सर। आप देखिएगा डी पे कितना है, डी पे देखो अभी और आएगा, अभी तो डी पे और बढ़ेगा, 75 तो नीचे है और एक 75 और आएगा, 15 भी तो नीचे आ रहा है, तो आप 15 और माइनस इतना करो, तब कितनी वैल्यू बची, 50 माइनस की 50 50.5 कितना आएगा, 50.5 किलो न्यूटन। तो आप देखिएगा स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट इस तरह आएगा, 50.5 किलो न्यूटन। किस पॉइंट पे है, डी पॉइंट पर। क्या डी से बी के बीच कोई लोड है, सो डी से बी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। बी पे कितना है, सीयर फोर्स एट बी, बी पे कितना फोर्स है बोलिए, आया कितना था, 50.5 आया कितना था, -50.5 आ रहा था, और जा कितना रहा है, 50.5 प्लस का, तो कितना बचेगा, जीरो। सो दिस इज कॉल्ड जीरो, दिस इज कॉल्ड सीयर फोर्स डायग्राम एसएफटी, दिस इज कॉल्ड एसएफटी। क्लियर, कोई दिक्कत, नो सर। अब क्या बचा इसका, बेंडिंग आ रही, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो में बेंडिंग आ रही है, इसका बताएंगे।